नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। नजीबाबाद राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सरकार तहसीलदार नजीबाबाद को सौंपा ज्ञापन। किसान की फसलों पर लागत बढ़ती गई और मंडियों में लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार का किसानों की आय बढ़ाने का चुनावी वादा जुमला बनकर रह गया है। भुगतान में ब्याज अविलंब कराया जाए। जब तक किसानों का पूर्ण भुगतान नहीं होता तब तक सभी तरह की दैनिकदारियों पर रोक लगाई जाए। गन्ने का आगामी सीजन शुरू होने वाला है। किसानों के प्रतिनिधियों से वार्ता करके सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए। किसानों के अपना गन्ना जिस मिल पर चाहे डालने की छूट दी जाए। नंबर तीन, जिस प्रकार पूर्व में दी जाती थी। नंबर चार, किसानों के गन्ने की ढुलाई का भाड़ा खत्म किया जाए। नंबर पाँच, किसानों के बिजली के बिल का कम किए जाए तथा ट्यूबवेल के लिए किसानों को बिजली फ्री दी जाए। किसानों के लिए डीजल पर सब्सिडी दी जाए। और नंबर सात, किसानों के खाद व अन्य कृषि यंत्र संबंधित यंत्रों के दाम घटाए जाएँ। आवारा पशुओं के किसान को फसल को बचाने के लिए व्यवहारिक प्रबंधन किए जाए। नंबर नौ, सरकारी मंडी के अंदर और निजी व्यापार में भी किसान से जो खरीद होती है वो MSP पर आधारित हो।